नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। दोस्तों, हमारे एक व्यूअर है मिस्टर जिग्नेश अहमदाबाद से, और एक मेडिकल कंपनी में काम करते हैं। उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा था। सवाल उनका ये था कि उनके पास एक डेटा है, उसमें एक कॉलम में बहुत सारे डेटा लिखे हुए हैं। अब उनको क्या है, प्रिंट लेना पड़ता है। तो जैसे वो प्रिंट किया उन्होंने, तो देखिए यहाँ पे 1 से लेके 146 तक आ गया। अब 147 उसके अगली कॉलम में होता है, अगली पेज पे होता है। सॉरी, वो चाहते हैं मैं अगले पेज पे ना हो, मेरे इसी के बगल में, जैसे कि यहाँ पर कि 1 से 1 2 3 4 आपको दिख रहा है, यहाँ पे 13 14 16 17 18 19 इस तरह से आपको। तो एक ही पेज पे वो प्रिंट लेना चाहते हैं इसको। जी हाँ, एक पेज पे ही प्रिंट लेना चाहते हैं। तो इसको वीवीए के थ्रू थोड़ा सा मैं दिमाग लगाया, और मुझे पहली बार रियलाइज हुआ कि वीवीए से भी आसान एक्सेल हो सकता है। मैं हमेशा ये करता था कि एक्सेल में दिमाग लगाता था, एक्सेल में जब नहीं होता था देन वीवीए अप्रोच करता था। अब मैंने पहले वीवीए में दिमाग लगाया, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा टाइम की कमी है। पॉसिबल तो अनपॉसिबल तो नहीं है, हो तो सकता है, पर थोड़ा सा तिरम करना पड़ेगा। लेकिन एक्सेल में फिर मैंने ट्राई किया कि चलो एक्सेल में ट्राई करते, क्योंकि मेरी आदत है कि हम पहले एक्सेल में करके देखते हैं फिर वीवीए में जाते हैं, क्योंकि एक्सेल हमारी प्रायोरिटी होती है। तो मैंने इसको यहाँ देखिए कर दिया हुआ। तो कैसे किया, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर रो का फॉर्मूला लिया। रो फॉर्मूला रो नंबर देता है, और जैसे कि हमने देखा प्रिंट प्रीव्यू लेके, हमने देखा इसमें कि हमारा 11 पेज जो है, एक 11 कॉलम एक पेज में आ जाता है। जी हाँ, एक पेज में 11 10 ही है, तो फिलहाल 10 मान लीजिए, 10 आ जाता है। हमने 10 समझ लिया कि इसमें 11 तक हमने पेज सेटिंग कर दिया था ना। यहाँ पे मैंने पेज सेटअप में गया और मैंने इसकी मार्जिन को कम कर दिया, तो ये 11 हो गया। देखा था? 11 हो जाता है। तो मैंने यहां पे क्या किया कि हमने रो का फॉर्मूला दिया। रो के फॉर्मूले में आ गया 1, फिर इसको मैंने मल्टीप्लाई बाय 11 किया आ गया, फिर इसको हम -10 करेंगे तो ये आपका 1 आ जाएगा। फिर इसको 11 तक हम ड्रैग कर देंगे तो आप देखिए कि ये 1 नहीं जाएगा, नीचे आप देखिए, नीचे आपका देखिए आ जाएगा 12। तो हर आपका 11 का मल्टीप्लेक्स यहाँ 11 जोड़ता चला गया। यहाँ फिर से देख रहे हैं आपको कि 12 में 11 जोड़ेंगे तो 23 होगा, 23 में 11 जोड़ेंगे तो 34 होगा, ऐसे ही आपका आ गया। तो इसमें हमने एक और छोटा सा ये किया यहाँ पे कि इसमें हमने प्लस कर दिया कॉलम, मैंने इसकी जो रिजल्ट है उसके रिजल्ट में हमने कॉलम प्लस कर दिया, प्लस कॉलम, और -1 कर देता हूं। या फिर मेरा डेटा तो 2 से स्टार्ट है ही ना, 2 रो से लेके आना है, तो आप -1 ना करें। फिर मैं -1 हमने कर दिया, और फिर मैं ड्रैग किया तो आप देखेंगे कि 1 से लेके 11 तक यहां आएगा, नीचे 12 तक आएगा, 13 14 16 17 आपको दिख रहा है, इस तरह से आपका आता चला गया। अब मुझे कुछ नहीं करना है, इस पे एड्रेस का फॉर्मूला लगाना है, एड्रेस का फॉर्मूला लगाना है। और हमने यहाँ पे रोल नंबर होगी, कॉलम नंबर 1 कर दिया, और बाकी सबको मैं छोड़ देता हूँ। फिर एक ब्रैकेट छूट गया हुआ है इसमें, और यहाँ पे सीट नंबर में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सीट का नाम सीट 1 दे दिया। तो यहाँ पर आप देखिए रिजल्ट आ गया हमारा A1 B1 A2 B A1 A2 A3 A4 A5, इस तरह से आपको दिख रहा है, इस तरह से आपका आ गया। नीचे तक भी ड्रैग कर दूँ तो इस तरह से आ गया। लेकिन मुझे इसका रिजल्ट यहाँ पे इसका ये चाहिए, डेटा चाहिए। तो इसके लिए इस एड्रेस के फॉर्मूले में हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे एड्रेस का फॉर्मूले में इनडायरेक्ट लगा दिया, सिंपल सा इनडायरेक्ट।
अब इसका रिजल्ट यहाँ पे आना शुरू होता है। मैं थोड़ा सा जूम फॉर्मूला को जूम करके आपको दिखा देता हूँ। तो एफडिस का फॉर्मूला हमें लगा आ गया। अब इसमें हम नीचे तक अंदाजा लगा लीजिए कि आपका कितना ज्यादा डेटा है नीचे तक, तो जहां ब्लैंक होगा ना वहां पे जीरो आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे जैसे डेटा पूरा हो जाएगा आपका, तो वहां पे जीरो हो जाएगा। अब मुझे जीरो हटाना है, तो जीरो हटाने के लिए सिंपल आप यहाँ पे इफ का फॉर्मूला लगा सकते हैं कि यहाँ पे इफ, और इफ में मैंने यहाँ पे बोला कि अगर ए इक्वल टू जीरो है तो ब्लैंक, अदरवाइज हमने पूरा इनडायरेक्ट फॉर्मूला को कॉपी किया और इसको लेके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब नीचे तक हम ड्रैग या कॉपी पेस्ट कर देते हैं। हो गया कॉपी पेस्ट। आप यहाँ पे देखिए 101 से स्टार्ट है और 101 से स्टार्ट हुआ और नीचे तक आ गया, जहां तक हो गया वहां तक खत्म हो गया। अब मैं इजली इसको प्रिंट आउट ले सकता हूँ। बट यहाँ पे हुआ कि ये इस तरह से नहीं चल रहा है, 1 2 3 ऐसे कि रो वाइज नहीं है, मतलब कि ऐसा नहीं कि ये ले लिया और फिर इसके नीचे वाले दूसरे कॉलम पे से उठाया, इसने कॉपी किया और यहाँ पे रख दिया, ऐसा नहीं है। ये सिक्वेंसली चल रहा है कॉलम में। तो इस तरह से इसका यूज हम कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल पर रहिए। मैं कुछ आज या कल में इसका VVA वर्जन भी मैं अपलोड करूंगा कि इस एग्जांपल को मैंने VVA से कैसे किया। तो मेरे चैनल पे बने रहें और देखते रहें एडवांस एक्स्ट्रा एंड VVA की क्लासेस। थैंक यू।